ये जो इस्कॉन, आप लोग कैसे इस्कॉन में आ गए यहाँ पर? ये कुछ अचानक नहीं हुआ ये काम, ये भगवान की बड़ी दया से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो। चैतन्य चरितमृत में लिखा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो 84 लाख योनियाँ हैं, आप सबको पता है 84 लाख योनियों में जीव ऊपर नीचे चल रहा है। जलजा नव लखानी, इस तरह से 9 लाख पानी के जीव हैं, 10 लाख पक्षी हैं, 30 लाख तरह के जानवर हैं, 4 लाख तरह के मनुष्य हैं। तो ऐसे 84 लाख योनियों में ऊपर नीचे जीव चल रहा है, और 84 लाख योनियों में चलने के बाद कोनो भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव होता है, उसको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। और गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, इसका मतलब यह है कि आप किसी ऐसी संस्था में आ पाते हो जहाँ पर आपको शुद्ध भक्ति की शिक्षा प्राप्त होती है। तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम जो 84 लाख योनियाँ हैं, अगर हम इनके जीवन का अगर लक्ष्य देखें, जितनी भी योनियाँ हैं 84 लाख, वो एक ही काम के पीछे दौड़ रही हैं, सुख की तलाश के पीछे। आप चाहे पशुओं की बात कर लो, चाहे आप पेड़ पौधों की बात कर लो, पक्षियों की बात कर लो, मछलियों की बात कर लो, या मनुष्यों की बात कर लो, कीड़े मकोड़ों की बात कर लो, ये सब एक चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, सुख की तलाश में, अपने अपने तरीके से सुख की तलाश कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में बताया है कि सुख की तलाश 4 काम करके करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, कि 4 काम करते हैं। खाना खाकर मनुष्य स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना खाता है, जानवर भी अपनी रुचि के अनुसार खाना खाते हैं, आहार निद्रा सोकर, भय अपनी सुरक्षा करके, और मैथुन मतलब बच्चे पैदा करके। ये पूरा संसार के हर व्यक्ति का अगर आप कार्यों को देखो तो इन 4 वर्गों में आप उनको डाल सकते हो। इन 4 वर्गों से बाहर आपको कोई भी ऐसा कार्य दिखाई नहीं देगा। अगर आपको कभी कोई कन्फ्यूजन हो कि इन 4 कार्यों में से कोई कार्य है जो इन 4 कार्यों में नहीं आ रहा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये सुख का तलाश करने की प्रवृत्ति हमारे में कहाँ से आई? तो सुख का तलाश करने की प्रवृत्ति हमारे में भगवान से आई। भगवान का एक गुण है आनंदमयोभ्यासात्, भगवान सुख चाहते हैं, सुख की तलाश करते हैं। हालांकि भगवान आत्मा राम है, लेकिन फिर भी भगवान सुख चाहते हैं, और क्योंकि भगवान सुख चाहते हैं, भगवान को सुख प्राप्त होता भी है। और क्योंकि ममे वांशो जीव लोके जीव होता सनातना, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं, इसीलिए हम भी सुख की तलाश करते हैं। तो ये उत्तर है इस प्रश्न का कि आखिर हम सुख की तलाश कर क्यों रहे हैं, ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न, आराम से आराम, 2 मिनट 10 मिनट शांत रहो, ओके। दूसरा प्रश्न ये, आप जैसे ही हमने ये बात की कि हम सुख की तलाश कर रहे हैं, तो एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या सुख की तलाश करना सही है कि गलत है? तो इसका उत्तर है, सुख की तलाश करना सही है, ये स्वाभाविक है कि हम सुख की तलाश करें। अगर हम सुख की तलाश नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि भगवान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है सुख की तलाश करना, इसीलिए हमारे भी स्वाभाविक प्रवृत्ति है सुख की तलाश करना। लेकिन श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सुख की तलाश करना तो सही है, लेकिन हम
जहां पर सुख की तलाश कर रहे हैं वो गलत है। जिन तरीकों से हम सुख की तलाश कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में खो जाए, भटक जाए रास्ता, और रास्ता भटक जाए और वो 4-5 दिन हो गए भूखा प्यासा घूम रहा है, उसकी जुबान बिल्कुल सूख गई है, और अचानक उसको कोई व्यक्ति आए और उसको बोले पानी चाहिए, अरे भाई चाहिए पानी, मरे जा रहे हैं बिल्कुल, तो बोले अच्छा मुंह खोलो, तो हम बोलेंगे आह, हमने मुंह खोला तो उसने पानी की एक बूंद टपका दी हमारे मुंह में, बोला देखो तुम्हें पानी दे दिया, अरे इससे क्या होगा, इससे तो प्यास और ज़्यादा भड़क गई हमारी। तो हमारे शास्त्र में बोला है कि जो भौतिक जगत में, ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में सुख नहीं है, भौतिक जगत में सुख है लेकिन वो पानी की एक बूंद की तरह है, हमारे प्यास को और ज़्यादा भड़का रहा है, हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहा। हम ये तो मान लेते हैं कि पानी की बूंद है, उस पानी में प्यास बुझाने की ताकत है, लेकिन पर्याप्त मात्रा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, एक प्रॉब्लम। दूसरी समस्या क्या है, एक तो पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, और दूसरा क्या है कि जो सुख भी है और दुख भी है, और सुख और दुख का अगर हम आपस में तुलना करें तो दुख की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, एक ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र का वर्णन है। जब आप लोग, आपको 5-7 साल हो जाएंगे इस कौन से जुड़े हुए, तो आपको वो पढ़ने का भी सौभाग्य मिलेगा आपको। सबसे पहले हम शुरुआत भगवद गीता से करते हैं, फिर भागवतम पढ़ते हैं, और जब भगवद गीता भागवतम पढ़ लें, इसमें 4-5 साल लग जाते हैं, उसके बाद आप चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हो। आप बोलोगे, जब आपने चैतन्य चरितामृत पढ़ी, आप बोलोगे अरे हमने जीवन का इतना टाइम वेस्ट कर दिया, पहले क्यों नहीं पढ़ी हमने। लेकिन मेरे कहने से आप ऐसा मत करना कि अभी चैतन्य चरितामृत पढ़ना शुरू कर दो, पहले भगवद गीता पढ़ना, भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ना। तो उसमें बताया गया है कि इस संसार का सुख उसी प्रकार है जैसे एक राजा ने किसी व्यक्ति को चोरी करते हुए पकड़ लिया तो उसको सजा दी कि इसको पानी में डुबाओ बार बार, तो सिपाही ले गए उसको नदी में, और नदी में उसको पानी के नीचे डुबाया, उसको सांस नहीं ले पा रहा था, बहुत तड़प रहा था, और जैसे ही मरने वाला था वैसे सिपाहियों ने उसको ऊपर खींच लिया पानी से। उसने सांस ली जोर से, चारों तरफ देखा, हरियाली थी, उसने कहा वाह कितना मज़ा आ रहा है, जैसे सोच रहा था वैसे ही दोबारा सिपाहियों ने उसको पानी के नीचे डुबो दिया, फिर उसने तड़पना शुरू कर दिया, फिर बाहर निकाला, फिर डुबोया, फिर बाहर निकाला। तो ऐसा हमारे शास्त्र में बोला गया है, यही हमारे साथ हो रहा है, हम लोग बार बार हमें पानी में डुबा रहे हैं, हम तड़प रहे हैं और हमें निकाल रहे हैं, हम सोचते हैं वो कितना सुख है, लेकिन जैसे ही सोचते हैं तब तक वापस हम पानी में डूब जाते हैं। एक चिंता है कि करताल खो नहीं जाए। एक बार हालांकि करताल है कोई महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन खो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, इतनी छोटी चीज़ें आसानी से खो भी जाती हैं। एक बार हम बॉम्बे में हिजोलिनस गोपाल कृष्ण महाराज की व्यास पूजा अटेंड कर रहे थे, उनका जन्मदिन था, जन्मदिन मना रहे थे, उसको व्यास पूजा कहते हैं। तो जो संचालक था उसकी करताल थी, उस करताल कोई उठा के ले गया उसकी, तो साथ में ही गुरु बैठे हुए,
और वो कह जा रहा है, अरे मेरी करताल कोई उठा के ले गया। 150-200 रुपये की करताल थी उसकी, उसने 50 बार कह दिया मेरी करताल वापस कर दो। साथ में गुरु बैठे हैं और गुरु का गुणगान चल रहा है, उसने 50 बार बोल दिया, अच्छा तो फलाना भक्त अब गुणगान करने के लिए आएगा, किसी ने मेरी करताल तो नहीं देखी। हालत है। मेरा एक मित्र थे, वो दर्जी का काम करते थे, तो बल्क में शर्ट्स बनाते थे, वो कमीजें सिलते थे। तो मुझे कहते हैं, कह रहे हैं भाई, अगर हमारे यहाँ एक कहावत है कि घर में कुछ भी चोरी हो जाए, एक वो जब कपड़े बनाकर उसको प्रेस करते हैं तो एक मिटन से एक ग्लव सा होता है बिना उंगलियों का, उसको डाल के वो उसको प्रेस करने में काम आता है, जैसे वो केतली को ढकने वाला नहीं होता, एक कपड़े का ढक्कन सा, वैसे ही होता है वो। मतलब 5-10 रुपए की उसकी लागत होती है उसकी। कहता है कि हम सोचते हैं यार कुछ भी चोरी हो जाए, बस ये चोरी नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा, यार ये तो 5-10 रुपए का आइटम है, ये चोरी हो जाए कोई नहीं, प्रेस बचनी चाहिए, ये बचना चाहिए, वो बचना चाहिए। कह रहे यार वो फटाफट लिया जाता है, ये बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो और जब करताल उठाने आया तो मुझे सारी बातें याद आ गई एक क्षण के अंदर। वो ये सोच रहा है कि अगर करताल कहीं इधर उधर हो गई तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, वो भी सुख की तलाश में है। सुख की तलाश में। तो पता नहीं क्या कह रहे थे, और पानी में डुबा के निकाल रहे थे। यही बेसिकली हालत हम सब की है कि हमें पानी में बार बार डुबो रहे हैं और निकाल रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में बताया क्या है कि जो सुख होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का सुख होता है जो हम लेने की कोशिश करते हैं। तो हम 3 प्रकार के सुखों की हम बात करेंगे। जो पहला सुख होता है, पहला सुख होता है शरीर के स्तर पर। शरीर के स्तर का सुख होता है कि आप जो पंच महाभूत है, स्थूल शरीर और फिर 3 सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार। तो पहले स्थूल शरीर के स्तर पर हम सुख की तलाश करते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पे हम सुख की तलाश करते हैं, ये पहला सुख हो गया। तो ज़्यादातर लोग, क्योंकि हम बद्धावस्था में हम अपने आप को ये शरीर ही समझते हैं, इसलिए हम इस शरीर के माध्यम से सुख की तलाश करते रहते हैं। अच्छा खाना, अच्छा सुनना, अच्छा स्पर्श, अच्छा पीना, ये सब शारीरिक स्तर पे, स्थूल स्तर पर जो सुख की तलाश है। फिर जब हम थोड़े से और बुद्धिमान हो जाते हैं तो हम सूक्ष्म स्तर पे सुख की तलाश करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, हमेशा अन्नमय खाने के पीछे दौड़ता है हमेशा। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खेल कूद में लग जाता है। नहीं, जो छोटा सा बच्चा होता है आप देखो, कोई भी चीज होगी मुंह की तरफ लेके जाएगा, नहीं? इसलिए जो छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं नोकीले नहीं बनाते कभी भी, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी चीज है मुंह की तरफ लेके जाएगा वो। तो जब थोड़ा बड़ा होगा खेलने में लग जाएगा, और फिर थोड़ा बड़ा होगा अच्छे कपड़े पहनने में, गाने वाने गाने के अंदर सुनने में लग जाएगा। तो ये स्थूल शरीर पर सुख की तलाश है, ज़्यादातर लोग इसी में लगे हुए हैं। फिर जो थोड़े समझदार होते हैं वो सूक्ष्म स्तर पर जो है सुख की तलाश करते हैं। सूक्ष्म स्तर पर सुख की तलाश कैसे करते हैं, वो अपनी तारीफ सुन के। अपनी तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है ना, कि माता जी आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, चलो बहुत अच्छा लगता है।
एक बार एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, तो कह रहा था मैं कहीं पर किसी के घर पर प्रसाद के लिए गया, तो वो जो खाना था काफी खराब बना हुआ था। उसने कहा बहुत अच्छा खाना बना है, बहुत अच्छा खाना बना है। तो जिनके घर पे गया था वो जो हस्बैंड थे, उसने बोला कि उसकी वाइफ जो है वो किचन में कुछ लाने गई, उसने बोला यार खाने में यार मिर्च ज़्यादा है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। उसने कहा भाई अगर मैंने बुराई बुराई कर दी तो दोबारा तुम बुलाओगे थोड़े ना। तो यही भलाई है, कहते रहो कि खाना बहुत अच्छा है, डल गई, चलो बाय चांस मिल गई, क्या हो गया। तो अपनी तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, चाहे वो सच्ची हो चाहे झूठी हो, अच्छा जरूर लगता है हमें। उसके बाद जो हम बुद्धि के स्तर पर, ये मन के स्तर पर सुख है, बुद्धि के स्तर पर हम सुख लेते हैं ज्ञान का अनुशीलन करके, बहुत सारी किताबें पढ़ के, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके। जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमारी बुद्धि शांत हो जाती है, हमारी बुद्धि को बहुत सुख मिलता है। और मन बुद्धि अहंकार, अहंकार के स्तर पे सुख कैसे मिलता है? अहंकार के स्तर पर सुख मिलता है स्वामित्व की भावना से, कि मैं मालिक हूँ आप नौकर, ये सब मेरी संपत्ति है। ये सोचकर अहंकार जनित तुम मेरा कहना मानो, और मेरा कहना मानोगे तो मुझे सुख मिलेगा। अगर कोई हमारा कहना मानता है तो हमें अच्छा लगता है ना, तो अहंकार जनित सुख है वो, अहंकार के माध्यम से हम सुख लेते हैं। तो ये जो पूरे संसार के लोग हैं ये इसी के ऊपर पूरा जीवन आधारित किया हुआ है। और भागवतम के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल एक्चुअली कह भी रहे हैं, भगवान कपिल कह रहे हैं कुर्वन दुख प्रतिकारम सुखवन मन्यते ग्रही। जो घर में रह रहे हैं लोग, ये श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय का 9वां श्लोक है, और इसमें भगवान कपिल कह रहे हैं कि कुर्वन दुख प्रतिकारम। हाँ, तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय का 9वां श्लोक है, उसमें भगवान कपिल कह रहे हैं कि कुर्वन दुख प्रतिकारम, दुख प्रतिकारम के दुख को खत्म करने कुर्वन प्रयास करना। ग्रही जो गृहस्थ हैं, जो घर में रह रहे हैं, आप सब लोगों का भी अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा, हमारा पूरा जीवन दुखों का प्रतिकार करने में निकल जाता है, दुखों को खत्म करने में निकल जाता है, पूरा जीवन इसमें लगाते हैं। और पूरा जीवन लगाकर अगर थोड़े से दुख कम कम होते हैं हमारे, तो हम क्या सोचते हैं, वो बोल रहे हैं सुखवन मन्यते ग्रही। जो गृहस्थ है वो सोचता है ओह अब तो मैं सुखी हो गया। कुर्वन दुख प्रतिकारण प्रतिकारम सुखवन मन्यते ग्रही। जो गृहस्थ है वो दुखों को खत्म कर लेता है, अगर कम कर लेता है तो इसी में सुख का अनुभव करता है। ये गृहस्थ लोगों के जीवन का निचोड़ है बेसिकली। ये जो 6 शब्द हैं इसके अंदर पूरा निचोड़ है हम सब जो घरों में रह रहे हैं। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि एक चीज तो दुख है कि दुख है, दूसरी चीज है कि दुख नहीं है, और तीसरी चीज है कि सुख है। ये तीनों चीजें अलग-अलग हैं। भौतिक संसार में हम सोचते हैं ओ दुख नहीं है तो सुखी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहली बात है कि गृहस्थ में जो व्यक्ति रह रहा है वो ऐसा कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे जीवन में कोई भी दुख या क्लेश नहीं है। कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। एक का समाधान करते हैं दूसरी आ जाती है, दूसरे का समाधान करते हैं तीसरी आ जाती है, कई बार तीसरे का समाधान कर भी नहीं पाते चौथी पहले ही आ जाती है, कई बार ऐसे भी होता है।
हमारे शास्त्र में उदाहरण दिया गया है, जैसे ऊंट है, ऊंट जो है ऊंट का भोजन क्या है, कटीली झाड़ियाँ, नहीं, जब वो कटीली झाड़ियाँ तोड़ के खाता है और उसको चबाता है तो उसको बहुत रस आता है उसमें से, और जब वो खा लेता है उसको बहुत चाव से, तो आधे पौने घंटे के बाद उसके मुंह में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो वो ये सोचता है कि मेरे मुंह में दर्द क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया था, मैंने तो अपना जो उपलब्ध भोजन है वही तो मैंने खाया था, मेरा क्या कसूर है मुझे इतना दुख का अनुभव हो रहा है। तो आपको पता है कि वो ऊँट को दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि जब वो कंटीली झाड़ियाँ चबा रहा था तो जो कांटे हैं उसके मुंह के अंदर घाव कर देते हैं, और जो घावों से जो खून रिसता है वो ऊँट समझता है कि ये कंटीली झाड़ी का रस है, वास्तव में वो उसका अपना खून होता है। ऐसे ही हम लोग भी, जो थोड़ा बहुत हमें रस हमें लगता है कि आ रहा है, हाँ लगता है, नहीं लगता, सच बोलना आप लोग, है हमें जो लगता है थोड़ा बहुत रस आ रहा है, वो एक्चुअली में क्या है कि हमारा ही लहू है, हमारा ही खून है, हम अपना ही खून चाट रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब घाव ठंडा हो जाता है तो दर्द होने शुरू हो जाती है, और हम यही सोचते हैं, यही पूछते हैं कि मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, फिर मेरे साथ में बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा भला आराम से बैठा था, ये अचानक मुझ पर दुख और तकलीफ क्यों, विपत्ति मेरे पास आ गई है, नहीं होता है, नहीं होता है ऐसे। तो हमारा पूरा जीवन इसी में लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं इनमें से, जो परेशान हो जाते हैं इस सुख से, इस दुख से, दुख भरे जीवन से परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं अब दुख नहीं सहना चाहता, मैं अब इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। तो जो ऐसे व्यक्ति जो दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको हमारे शास्त्र में बोला गया है मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब होता है जो मुक्ति की आशा रखते हैं, जो मुक्ति की आशा रखे उसको मुमुक्षु कहते हैं। मुक्ति का मतलब है सारे दुखों का अंत, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो जाता है, ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्मानंद में असीम सुख है। लेकिन इसको, ये जो है ये दूसरे तरह का सुख है, अभी तक हम पहले सुख की चर्चा कर रहे थे, अब ये दूसरा सुख है मुक्ति का सुख, कि मुक्ति की तलाश में लग गए हम, हाँ मुक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं हम। इसको चतुर्थ पुरुषार्थ भी कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पहले व्यक्ति जो है वो धर्म का पालन करता है, पुण्य काम करता है, दान देता है, यज्ञ इत्यादि करता है, हवन करता है, और उससे उसको क्या लगता है, मुझे अर्थ प्राप्ति होगी। पूरे संसार में जितने भी, भारत के अंदर और भारत से बाहर जितने भी सनातन धर्म मंदिर हैं, सब इसी काम में लगे हुए हैं। आपको ये तकलीफ है, आप ये वाला हवन कर लो, आप ये वाला जाप करवा लो, हम कर देंगे, इससे आपको ये फायदा हो जाएगा, इससे आपको ये सुख मिल जाएगा, इससे वो हो जाएगा। तो हम धर्म करते हैं अर्थ की कामना के साथ, कि धर्म करेंगे तो अर्थ मिलेगा, अर्थ का मतलब पैसा मिलेगा, सुख सुविधाएं, संपत्ति, संतान इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, धर्म अर्थ काम। तो तीसरा पुरुषार्थ हम करना शुरू कर देते हैं, कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे पास संपत्ति, धन आता है, हम जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसको हम पूरा करना शुरू कर देते हैं, धर्म अर्थ काम। और जब हम अपनी इच्छाएं पूरी करते करते थक जाते हैं, फिर हम दूसरे सुख की ओर आते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो ये चतुर्थ पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
तो ये दूसरा सुख है, मोक्ष की इच्छा करना। लेकिन क्या मोक्ष सारे, क्या मोक्ष की प्राप्ति वास्तव में सुख है? तो इसलिए एक बहुत अच्छी कथा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मोक्ष में सुख है या नहीं है, या कितना सुख है। तो एक स्त्री थी, वो शाम के समय अपने ऑफिस से निकली लेट और मेट्रो पकड़ के रिठाला तक आ गई वो, और रिठाला से फिर उसका घर जो है 10-15 मिनट की दूरी पे था, तो पैदल चल रही थी वो, रास्ते में सुनसान इलाका था, नहीं ये सुनसान इलाका है रास्ते में, तो चल रही थी सुनसान इलाका था, तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे 5-6 गुंडे आ रहे थे, तो उसके मन में डर बैठ गया, उसने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, वो गुंडे भी उसके पीछे दौड़ने लगे तेजी से, दौड़ रही थी गुंडे उसके पास आते जा रहे थे, रास्ता कम होता जा रहा था रास्ता कम हो रहा था। अचानक उसको एक कमरा दिखाई दिया, उसका दरवाजा खुला हुआ था, वो बहुत तेजी से दौड़ी, उस कमरे के अंदर घुस के अंदर से कुंडी लगा दी, बाहर से गुंडे दरवाजा पीट रहे हैं, खोलो खोलो खोलो, नहीं खोल रहे। तो हमारे जो साधु हैं वो बताते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने का सुख, यही सुख है, कि जितने भी दुख हैं वो कमरे के बाहर रह गए, कमरे के अंदर कोई गुंडा है, कोई गुंडा नहीं है। क्या वो कमरे में घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते। क्या आप सुरक्षित हो? हाँ आप सुरक्षित हो। तो एकदम जब उसने अंदर से कुंडी लगाई, तो एकदम कुंडी लगाने के बाद उसको चैन की सांस आई, बच गए। उस स्त्री ने सोचा बच गए, जान बची लाखों पाए। अब 15-20 मिनट आधा घंटा बीत गया, अंदर वो सुरक्षित बैठी है, गुंडे बाहर है, बाहर गुंडे हैं, अंदर वो सुरक्षित बैठी है। आधे घंटे बाद क्या होगा? आधे घंटे बाद उसको अपने घर की याद आई, उसको याद आई कि मेरा छोटा बच्चा रो रहा होगा, मेरे पति मेरे बच्चे मेरी चिंता कर रहे होंगे। तो उसके मन में एक चिंता आ गई कि मुझे अपने घर जाकर अपने पति और बच्चों से मिलना है, उनके साथ खेलना है, उनके साथ बैठ के भोजन करना है, उनको अपने दिल की बात बतानी है, उनके दिल की बात सुननी है। तो क्या अब वो जो स्त्री है उस सुरक्षित वातावरण में सुख का अनुभव करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। तो जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का सुख भी इसी तरह, ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का सुख इसी तरह का सुख है। निष्क्रिय अवस्था में वहां पे हम पहुंच जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते, फिर हमारे मन में क्यों, क्योंकि आनंद में भयासात, क्योंकि हम सुख की तलाश में, हम कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे, हम किसी की प्रशंसा करें, हम किसी के साथ बैठकर सुख दुख की बात करें, हम किसी के साथ बैठकर गाने गाएं, भजन गाएं। हम अब निष्क्रिय अवस्था में कुछ नहीं हो सकता, और जैसी ये इच्छा हमारी बलवती होती है वैसे ही उस ब्रह्म ज्योति से हम वापस नीचे गिर जाते हैं। भागवतम में श्लोक दिखा है, 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 32वां श्लोक है ये अन्य अरविंदाक्ष, कि आप अगर विमुक्त माने ना, अगर विमुक्त भी हो गए, अगर मुक्ति भी प्राप्त हो गई, अधो पतंति तो भी नीचे गिर जाते हैं, वापस हम जन्म लेकर
फिर सुख की तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुक्ति है ये भी परम सुख नहीं है, ये दुखों का अंत है। पहली स्थिति क्या थी कि दुखी दुख थे, अब दूसरी स्थिति मुक्ति में आ गए, दुखों का अंत हो गया, लेकिन सुख कहाँ है? सुख अभी तक हमें मिला नहीं। तो अब ये तीसरी तरह का जो सुख है, वो जो सुख है वो है भक्ति में सेवा का सुख। अगर हम जिस के अंश हैं, जिस पिता की संतान हैं, हम भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके जीव होता सनातना, कि आप सब मेरी संतान हो, मेरे पास आ जाओ, यत गतवान अनिवर्तन्ते, मेरे पास आ जाओगे वापस नहीं जाना पड़ेगा आपको। क्यों आ जाओ भगवान के पास, क्यों चले जाएं हम आपके पास, क्या मिलेगा हमें आपके पास आके? तो ब्रह्मा जी इसका वर्णन कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने हजारों साल तक तपस्या की। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, कमल के जो पंखुड़ियों पे, कमल के फूल पे जन्म हुआ ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने हजारों साल तपस्या की, और हजारों साल तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान के धाम का दर्शन हो गया। और जब भगवान के धाम का दर्शन हुआ तो ब्रह्मा जी को पता चल गया, यहाँ पे जाना चाहिए हमें, ये जगह सही है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के धाम के बारे में बताया, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा। उन्होंने कहा कि वहां का हर पत्थर चिंतामणि पत्थर है, पारस पत्थर है। पारस पत्थर बताया ना आपको, पारस पत्थर है, लोहे को छुओगे सोना बना देगा उसको, नहीं? पारस पत्थर से भी ज्यादा कीमती जो है वो चिंतामणि पत्थर होता है। वो लोहे को सोना तो बना देता है, उससे आप कुछ भी मांगो मिल जाएगा आपको। चिंतामणि प्रकर, वो कह रहे हैं कि हर पत्थर भगवान के धाम में चिंतामणि पत्थर है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है। तो कितने वृक्ष हैं वहां पर? लक्षावृतेषु, करोड़ों वृक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो वहां पे जाके आपको पता चलेगा हर पेड़ पे पहले किसी ने कब्जा कर रखा है। ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप किसी भी पेड़ के नीचे जाके खड़े हो सकते हो, कोई आपको पेड़ के नीचे खड़े होने से नहीं रोकेगा। तो सपोज आप वहां पर सेब के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, अब आपकी इच्छा है आम खाने की, तो अब सेब के पेड़ से आम कैसे मिलेगा? लेकिन ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है। आप अब सेब के पेड़ के नीचे खड़े हो, आप बोल रहे हो यार आम खाना, टक से आपके हाथ में आम आ जाएगा। सोचते ही आम आ जाएगा, और इस आम की खासियत होगी, एक दो खासियत होंगी इस आम की। आपको पता है कोई फल की क्वालिटी अच्छी है कैसे पता लगाते हैं? दो चीज़ों से पता लगाते हैं, हाँ, टेस्ट के अलावा दो चीज़ों से पता लगाते हैं। टेस्ट तो जब खाएंगे तो पता चलेगा, बिना खाए कैसे पता लगाएंगे? उसका छिलका पतला होता है, जो अच्छी क्वालिटी का फल होगा उसका छिलका पतला होगा, और गुठली छोटी होगी। जो खराब घटिया फल होते हैं उनकी गुठली बड़ी होती है। इतना बड़ा फल है, वो उतनी दी बड़ी गुठली है, इतना सा उसमें गूदा मिलेगा नहीं। जो अच्छी क्वालिटी का फल होगा उसमें छोटी सी गुठली होगी, इतना सारा गूदा होगा और पतला सा छिलका होगा, नहीं? अब जो आपने आम मांगा उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर, आपके हाथ में आम आ गया, उस आम की दो क्वालिटीज हैं स्वाद के अलावा। स्वाद की तो बात ही नहीं बेकार है बात करना, विलक्षण स्वाद होगा, लेकिन उसकी दो क्वालिटी होंगी कि एक तो उसका छिलका नहीं होगा, पतला नहीं होगा ही नहीं छिलका, और दूसरा गुठली होगी नहीं, सिर्फ गूदा ही गूदा है बस। मतलब आप उसको खाओगे तो सारा रस टपकेगा,
आपके यहाँ से रस टपके हैं आपके, आप इतना मधुर उसका खट्टा मीठा उसका स्वाद होगा, आप बोलोगे ओह और खाना चाहता हूँ मैं, और खाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसी बात सोच लोगे यहाँ पर तो टेंशन हो जाती है। मेरे एक रिश्तेदार हैं पंजाब में, तो मैं उनसे मिलने गया था गर्मियों के दिनों में, तो मैंने उसको पूछा और भी क्या हाल है, उसको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ हार्ट की भी हो गई बाद में, तो मैंने और भी क्या हाल है, कह रहे ठीक है, तो इसका वो फ़ोन बंद करवाना इसका, ये टीटू का लड़का है, है? इसको चूहे दाने में बंद करो, इसको टीटू का लड़के को। सो मैंने सोचा और भी क्या हाल है, शुगर वुगर कंट्रोल है, कह रहा हाँ यार इंजेक्शन लगाता हूँ शुगर के इंसुलिन के, कंट्रोल है ठीक चल रहा है। तो मैंने कहा आम आम खा रहा है नहीं खा रहा भाई, कह रहा हाँ 2-3 किलो खा जाता हूँ। मैंने कहा भाई शुगर है तेरे को, 2-3 किलो आम खा जाता, कह रहा पूरे सीजन में। पूरे सीजन में 2-3 किलो खा जाता हूँ। वहाँ पर ऐसी टेंशन नहीं है, भगवान के धाम में ऐसा नहीं है कि आपने 5-7 आम इकट्ठे खा लिए तो शुगर ब्लड शुगर बढ़ जाएगी पेट खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर जो खाओगे सब खून बन जाता है, वहाँ पे शौच नहीं जाना पड़ता। वहाँ पे जितना मरा है उतना खाते रहना। अच्छा आप आम खा रहे थे, अब खाते खाते आपने बोला यार बस हो गया आम, अब तो खीर खाने का मन कर रहा है, तो क्या होगा, किसके नीचे खड़े हो, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो के कुछ भी मांगोगे वो मिल जाएगा। तो जैसी सोचोगे टक से हाथ में खीर का कटोरा आ जाएगा, एकदम अमृत केली की तरह एकदम खुशबूदार, उसमें से केसर पड़ा होगा, बादाम उसके अंदर, किशमिश काजू सब पड़े होंगे, एकदम सुगंध आ रही होगी उसके अंदर से। जैसे आपके मुंह में पानी आ रहा है ऐसे उसमें सुगंध आ रही होगी, वो आराम से खाना। लक्षावृतेषु, तो अगर वहाँ पे हर पत्थर चिंतामणि है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, तो वहाँ पे भगवान कर क्या रहे हैं, वहाँ पे भगवान कर क्या रहे हैं। लक्षावृतेषु सुरभिर अभी पालयंतम, हर गाय कामधेनु सुरभि गाय हैं, और भगवान वहाँ पर उन गायों को चरा रहे हैं। अच्छा जो कामधेनु गाय होती है सुरभि गाय हैं, उसकी क्या क्वालिटी होती है, वो कुछ भी मांगो मिल जाएगा। आपने वो वशिष्ठ और उनकी विश्वामित्र की कहानी सुनी थी ना, एक बार विश्वामित्र पहुंच गए थे अपनी सेना के साथ में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में, उन्होंने बोला भूख लगी है कुछ इंतजाम हो जाएगा, तो महर्षि वशिष्ठ ने बोला बैठो अभी हो जाएगा। उन्होंने कामधेनु को बुलाया सुरभि गाय को, अरे सबके लिए खाना लगाओ, वहाँ पे 56 भोग लग गए लाखों लोगों के लिए। और विश्वामित्र ने देखा दिमाग खराब हो गया उसका, ये क्या हो रहा है, उसने कहा मुझे दे दो ये गाय। तो उसी गाय से महर्षि वशिष्ठ ने करोड़ों सैनिक पैदा कर दिए, और उन करोड़ों सैनिकों ने उन लाखों सैनिकों को मार पीट के भगा दिया। तो कामधेनु गाय से कुछ भी आप प्राप्त, वहां पे सारी चीजें ऐसी हैं किसी से कुछ भी मांग लो वो आपको तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर खड़े खड़े प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी हमें ये बात क्यों बता रहे हैं, ब्रह्मा जी हमें ये बात इसलिए बता रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरह हमारे मन में ऐसे सुंदर विलक्षण स्थान पर जाने की इच्छा पैदा हो जाए। तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि चलो इच्छा पैदा हो गई जाने की, अब जाएंगे कैसे, तो जाने का बहुत ही सरल उपाय है, सिर्फ आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तनादेव कृष्णस्य कलो दोष निधे राजन, इस कलयुग में दोष ही दोष हैं। अस्ति ही एको महान गुणा, एक ही महान गुण है और वो ऐसा महान गुण है कि सारे दोषों को ढक देता है। कीर्तनादेव कृष्णस्य, अगर हम भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, मुक्त संगा, हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे सारे पाप और पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, परम विजयत भगवान के धाम में हम चले जाएंगे। अब भगवान के धाम में जाकर मैंने आपको बता ही दिया, चाहे पत्थर को पकड़ लेना अपने हाथ में, चाहे पेड़ के नीचे खड़े हो जाना, चाहे गाय की पूछ पकड़ लेना, काम सारे आपके वहीं, बिना कोई परिश्रम किए, कुछ काम धंधा, कुछ नौकरी किए बिना, सारे काम आपके स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। तो आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो ऐसी जगह, तो आप प्लीज़ इतने विलक्षण स्थान पर जाना मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। आप जो कर रहे हो, जो प्रभु जो पुरुष हैं, जो आप काम धंधा नौकरी जो भी कर रहे हो करते रहो, जो माताएं अपने घर में जो भी काम कर रही हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, वो आप करते रहो, लेकिन अपने जीवन को इस प्रकार से ढालो कि आप अधिक से अधिक भगवान कृष्ण के नामों का जप कर सको। अगर आप भगवान कृष्ण के नामों का जप करते रहोगे बिना अपने जीवन में कुछ बदलाव किए, कोई बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा जी रहे हो वैसे जीते रहो, जैसा जी रहे हो वैसे जीते रहो, तो क्या हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए रोज ठंड में नहाना पड़ेगा? नहीं, जरूरत कोई जरूरत नहीं है कि नहाकर जप करना है, नहा कर जप करोगे अच्छा है, लेकिन क्या जप नहा कर ही किया जा सकता? नहीं, आप उठो और बस शुरू हो जाओ भगवान का नाम लेना, आपको वही लाभ मिलेगा। कोई जीवन में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले कि जीवन में बदलाव लाना चाहिए, तो मेरा नाम सनातन कृष्ण दास है, आप बोलना कि वो तो कह रहे थे कि कोई जरूरत नहीं है जीवन में बदलाव लाने की, मैं अपने आप लड़ता झगड़ता रहूंगा उनसे। आप कोई बदलाव मत लेके आओ, आप बस हरे कृष्ण महामंत्र का जितना आप आराम से सुविधा से, जितना आप मन को अच्छा लगे, चाहे 10 बार नाम लो, चाहे 2 माला करो, चाहे 16 माला करो, जितना आपका मन करे उतना आराम से आप करो, और आप देखना ये करते करते आप ये शरीर छोड़ोगे और भगवान के धाम पहुंच जाओगे। शीला प्रभुपाद की जय।